हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बराकर नदी और अजय नदी में जितनी पानी रात भर में बही है, उतनी ही घटनाएं जो है झारखंड में हो चुकी है। कल रात से इस रात को अगर आप देखने की कोशिश करोगे बड़े ही पारखी नज़र से, तो आपको पता चलेगा कि अब हेमंत सोरेन के नाम के आगे भूतपूर्व सीएम का नाम लग चुका है। और भूतपूर्व नहीं, पूर्व तो लगा ही है। और इस अब जो है चंपई सोरेन, जो कि मंत्री हुआ करते थे, अब वो बन चुके हैं मुख्यमंत्री। अब जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो देखिए, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक और खबर आई है। तो ऐसे में अब जो है, क्या सहायक आचार्य की परीक्षा फरवरी में हो पाएगी या नहीं? देखिए, मैं आपको ना बिल्कुल तर्कसंगत चीजें बताऊंगा। अगर आप मेरे बात से एग्री करोगे तो नीचे कमेंट करके यस जरूर लिखना, और जहां से वीडियो को देख रहे हो वो जरूर आप लिख देना। अगर आपको मेरे बातों से जो है नेगेटिविटी झलकती है तो नो जरूर लिखना। आप मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हो या नहीं। देखिए, झारखंड हो या भारत हो या फिर कोई और अदर स्टेट हो, हमेशा से वहां पे क्या किया जाता है, हमेशा से चीजों को देखा जाता है, परखा जाता है, और अपने फायदे के लिए जो है भर्तियों को लटकाया भी जाता है और भर्तियों को चलाया भी जाता है। तो ऐसे में जेएमएम अब जो है एक्चुअली बैकफुट पे है। क्यों? भ्रष्टाचार का आरोप इन पे लगा है। और जैसे कि देखो, मैं आपको यहां से दिखाता हूं, ये देखो, ये सीजीएल की परीक्षा जो है रद्द कर दी गई है 31-1, यानी कि बिल्कुल कल रात को जो है सीजीएल की परीक्षा रद्द कर जा चुकी है। मैंने कहा ना कि बराकर और अजय नदी में बहुत पानी बह चुका है, सीजीएल की परीक्षा रद्द हो चुकी है। 28 वाले तीनों पेपरों को यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है, और जो 4 फरवरी की परीक्षा थी उसे स्थगित कर दिया गया है। अब देखिए, लोग चाह रहे हैं कि एग्जाम जो है अलग ढंग से हो। तो यहां से देखिए, सबसे पहले पहली तस्वीर आपको दिख रही होगी, यहां से जो है हमारे पहले जो एक्स सीएम है, ये जो है रिटायर हो चुके हैं, आई मीन गिरफ्तार हो चुके हैं, रिटायर तो नहीं हुए हैं, और जेल भी जा चुके हैं। अब देखिए, यहीं पे आपको बगल में जो है चंपई सोरेन दिखेंगे। अब ये हमारे जो है झारखंड राज्य के बन चुके हैं सीएम। ये फोटो है, वायरल हो चुकी है ये फोटो। और अब देखिए होगा क्या, सबसे पहले कल ही देख लो, जेएसएससी को जो है विरोध का सामना करना पड़ा। यहां से आप देखो, गाड़ी के शीशे वगैरह तोड़े गए, लड़कों के ऊपर, छात्रों के ऊपर जो है लाठीचार्ज भी सरकार के द्वारा किया गया है। अब देखिए होगी क्या, सीजीएल की परीक्षा को रद्द तो कर दिया गया है। जेएसएससी के जो चेयरमैन हैं, इनके ऊपर और एजेंसी के ऊपर जो है एफआईआर करने की मांग की जा रही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एग्जाम ठीक ढंग से नहीं कराया, ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता के साथ एग्जाम को कंडक्ट नहीं कराया इन लोगों में। इन लोगों की जिम्मेदारी है, और ये लोग पद पे अभी भी जो है बने हुए हैं। तो ऐसे में इन लोगों को पद पे बने रहने का मुझे तो कोई औचित्य या फिर जो है दायित्व तो दिखता नहीं है कि इन लोगों को दायित्व तो दिया जाए फिर से ये एग्जाम कंडक्ट कराए। खैर, या आईएएस ऑफिसर हैं, डेफिनेटली हैं, लेकिन गलतियां तो किसी से भी हो सकती है, और गलतियों का परिणाम तो भुगतना चाहिए। तो आपको नहीं लगता है कि जेएसएससी के सीजीएल, आई मीन जेएसएससी के जो अध्यक्ष हैं, उनको जो है यहाँ पे जो है उनको किसी दूसरे पोस्ट पे एटलीस्ट ट्रांसफर कर दिया जाए? अगर आपको लगता है तो जेएसएससी नीचे जरूर लिखिएगा। अब देखिए, अब आपके काम की बात कि क्या जो है ये जेएसएससी सहायक आचार्य की परीक्षा ये फरवरी में हो पाएगी। मैं अगर अपने तजुर्बे से बताऊं तो 99% चांसेस है कि अब ये फरवरी में एग्जाम नहीं होने जा रहा है, ये एग्जाम जो है बाद में होगा। फिर भी मैं 1% हमेशा कहता हूं कि आप लेकर चलो, क्योंकि अगर 1% एग्जाम हो गया तो बहुत सारे बच्चे इसी उधेड़बुन में रह जाएंगे कि एक तैयारी करें नहीं करें। तो मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ, तैयारी अपनी जारी रखिए, तैयारी ऐसी करो कि कल परीक्षा हो तो कल आप देने के लिए तैयार हो जाओ। बाय द वे, सिलेबस तो इतना वास्ट है कि आप साल भर भी पढ़ लोगे तो सिलेबस आपका तैयार नहीं होगा। ऐसी घटिया सिलेबस सरकार ने तय की है, फिर भी हमें रोना नहीं है। मैं बार बार कहता था कि हमें जो है मौका मिलना चाहिए, नए सीटेट विद्यार्थियों को मौका मिलना चाहिए, हम लोगों को मौका मिल चुका है। तो ऐसे में आप जो है ये रोना रो नहीं सकते हो, और आपके पास मोर देन सफिशियंट 1 महीने का टाइम जो है लगभग लगभग हो चुका है। पूरे जनवरी को आपने जो है बिता लिया हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद। तो ऐसे में तैयारी अपनी जो है जारी रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहूँगा कि सीटेट वाले विद्यार्थियों का हो और जेटेट वाले का भी। एक्चुअली मैं किसे ही बोलूं, जिन लोगों की तैयारी अच्छी है, जो क्वालिटी वाले बच्चे हैं, वही पढ़ाने के लिए आए तो अच्छा हो। अब देखिए, 3 महीने के बाद ये जो मैंने यहाँ थंबनेल पे लिखा है, आपको मेरे राय के बारे में जानना हो तो देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि कुछ लोग और हाईकोर्ट चले जाएंगे, मेरी बात को समझना, कुछ लोग और हाईकोर्ट चले जाएंगे कि हाईकोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना हो रही है। हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि 3 महीने का समय जो है लोगों को दिया जाए। किसे दिया जाए? सीटेट के नए विद्यार्थियों को, जिन्हें जो है समायोजित किया गया, यानी कि अब जो है इन्हें भी योग्य मान लिया गया है कि ये भी झारखंड सहायक आचार्य में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में हाईकोर्ट के ऑर्डर को
को जो है अवहेलना नहीं करनी चाहिए और 3 महीने का समय मिलना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि यह भर्ती जितनी जल्दी निपट जाए उतनी अच्छी है, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल भर्ती है। आपको पता होना चाहिए कि सीटेट की परीक्षा हो चुकी है, नए सीटेट की बात कर रहा हूं, जो बच्चे शामिल नहीं है, पेयरिंग वाले हैं, इनका भी अगर रिजल्ट आ गया ना तो ये भी हाईकोर्ट जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे मेरे, मुझे एक अंकित जी का ईमेल प्राप्त हुआ था, उन्होंने जो है ध्यान मेरा अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करी कि सर बहुत सारे जो सीटेट अपेयरिंग वाले बच्चे हैं उन्होंने भी फॉर्म भर दिया है। देखिए ये जो नए बच्चे हैं, आई मीन अपेयरिंग वाले बच्चे हैं, इन्होंने फॉर्म भरा है, जो कि ठीक तो बात नहीं है, क्योंकि JSSC के द्वारा जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा, इसमें जो है इन बच्चे अगर ये क्वालिफाई हो जाते हैं तो डेफिनेटली इनका नाम रोल नंबर में आएगा, लेकिन जब DC होगा ना, आई मीन जो DB होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पे ये लोग छट जाएंगे। लेकिन जानते हो कितना बड़ा नुकसान कर जाएंगे, जितने बच्चे यहाँ पे शामिल हो जाएंगे उतने ही बच्चे का जो है सिलेक्शन नहीं हो पाएगा जो कि योग्य थे। अब होगा क्या, आपको पता है JSSC कभी भी जो है सहायक आचार्य हो या फिर कोई भी परीक्षा हो सेकेंड लिस्ट जारी नहीं करती है। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में नुकसान किसका हो जाएगा, जो योग्य विद्यार्थी थे जिन्होंने पूरे तन मन धन से जो है जतन से एग्जाम को पास किया, क्वालिफाई किया, वो रह जाएंगे। तो ऐसे जो सीटेट के बच्चे हैं, अपेयरिंग वाले बच्चे हैं, अगर सरकार मौका देती है, मैं तो चाहता हूं कि आपको मौका मिले, लेकिन अगर मौका नहीं देती है तो प्लीज़ परीक्षा देने नहीं जाए, आपका सिलेक्शन ऐसे भी नहीं होने वाला है। किसी और की सीट जो है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे में जो है किसी के सीट को जो है खा जाना ठीक होगा। खैर आपकी जो भी राय हो, मैं हमेशा कहता हूँ आप मेरे राय से जो है डिफर भी कर अपनी राय रख सकते हो, यस या नो जरूर लिखिएगा। अगर मेरे साथ मेरे हर बात से एग्री हो तो नीचे यस जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे जो है मूल्यांकन करने की जरूरत है अपने पॉइंट ऑफ व्यू की या नहीं, ठीक है। और डेमोक्रेसी में हमेशा मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों की राय लेना चाहिए, तभी आगे बढ़ना चाहिए। तो फिलहाल मैं चाह रहा हूँ कि 3 महीने का समय मिले, सभी का जो है किसी भी तरह के समस्या में जो है कोई ना पड़े, और हाईकोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना ना हो। हाईकोर्ट के ऑर्डर के साथ हमें चलना चाहिए, और एग्जाम जो है ये मुझे लग रहा है कि ये अब जो है टल गया है, और हो सकता है अगर ये टलते टलते 6 महीना और भी टल सकता है, इसलिए मैं चाह रहा था कि एग्जाम जल्दी हो जाए तो ठीक है। अगर ये टलते जाएगा तो हो सकता है कि लोकसभा के बाद जो है ये इलेक्शन हो, और जैसा कि आपको पता है JMM अभी बैकफुट पे है, चंपई सोरेन को यहाँ पे बनाया गया है CM, तो ऐसे में अब जो है ये हेमंत सोरेन चाहेंगे कि लोकसभा की ओर ना ध्यान करते हुए ये अब विधानसभा की ओर बढ़ेंगे, और विधानसभा में इनको अच्छे वोट मिले, इसलिए जो है एग्जाम को ये ठीक इलेक्शन से पहले अब करवाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जो भी बातें सामने आएगी आपको पता चल जाएगा। मैंने कहा ना कि CGL के रद्द होने के बाद जो है चांसेस अब जो है एग्जाम के आगे बढ़ने के बहुत ज़्यादा आसार जो है मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं बहुत सारे न्यूज़ को, रिक्रूटमेंट को जो है कवर करता हूँ, तो मेरे मन में ये जो है क्लियर है कि ये एग्जाम आगे बढ़ सकता है। बस एक शंका इस बात से मैं बार बार जो है रुक जाता हूँ कि ये परीक्षा ऑनलाइन होने आनी है, CBT होगा ये, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका जो है सहायक आचार्य में होने वाला है। तो इसलिए जो है मैं 1% का डाउट रहता हूँ, नहीं तो मैं आपको 100% श्योर कर देता कि एग्जाम फरवरी में कहीं नहीं हो रहा है। तो खैर जो भी बातें थी मैंने आपके साथ साझा करी, जहां से भी आप वीडियो को देख रहे हो नीचे उस जगह का नाम लिखकर जय हिंद जरूर लिख दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को साझा करें अपने एजुकेशनल टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे, ताकि लोगों को सही ऑथेंटिक जेन्युइन ओपिनियन और इन्फॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे, थैंक यू सो मच।